बाल समय रवि भक्ष लियो तब दिन हो लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू से जात नटारो ज्ञान देव मारुति के मुख में बिना सूर चहोर अंधेरा दसो दिशा में छाया अंधेरा सारे ब्रह्मांड में घोर अंधेरा घोर अंधेरा चहोर अंधेरा ऐ उडंडी बालक तुझे ज्ञात भी है कि तूने क्या कर डाला। तेरे कारण सारी सृष्टि संकट में पड़ गई है। सूर्य को मुख से बाहर निकालो सूर्य को। ऐसे कैसे निकाल दूं? मुझे भूख लगी है। दुष्ट बालक सूर्य को छोड़ दो अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने परिश्रम के बाद तो इस फल को खा पाया हूँ, अब तुम आ गए मेरे मुंह का ग्रास छीनने के लिए। बालक यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। पड़े आए दंड देने वाले। धूर्त बालक मुझे चुनौती देता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं देवराज इंद्र हूँ। इंद्र सूर्य देव को अपने मुख से बाहर निकालो, बाहर निकालो। तू बहुत हटी है बालक, लगता है तुझे दंड की ही भाषा समझानी होगी। तेरे पास मायावी शक्ति है उद्दंडी बालक, परंतु तू मेरे प्रहार से बच नहीं पाएगा। ऐसे नहीं मानेगा उडंडी बालक, बहुत बड़ा मायावी है ना तू, किंतु तू मेरे वज्र के प्रहार से बच नहीं पाएगा।
बालक, हमारे वज्र के सामने किसी की माया नहीं चलती। अंजना, अंजना, पुत्री, आंखें खोलो पुत्री। क्या हो गया पुत्री? अंजना, पुत्री आंखें खोलो, आंखें खोलो। दासी, दासी, शीघ्र ही राजवैद्य को बुला लाओ। अंजना, अंजना, अंजना आंखें खोलो। हे भगवान, रक्षा करना। पिता पवन देव, बचाओ। पिता पवन देव, पिता पवन। मारुति, मेरा पुत्र। पिता पवन, बचाओ। पिता पवन देव। मायावी बालक को ऐसा दंड दिया है कि वो कभी सूर्य देव की तरफ आप उठाकर भी नहीं देखेगा। आपने उचित किया देवराज। प्रकृति के नियम के अनुसार आज अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे है। हाँ राहु, प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता। जाओ, अब सूर्य देव पर तुम्हारा ही अधिकार है। धन्यवाद देवराज इंद्र, आपने मेरे अधिकार की रक्षा की। असुरों का साहस इतना बढ़ गया है देवराज कि वे पाताल से सूर्यलोक तक पहुंच गए हैं। आपने उस उद्दंडी असुर बालक को जो दंड दिया है उसके बाद वे ऐसा दुस्साहस फिर कभी नहीं करेंगे।
मारुति आंखें खोलो मारुति। मारुति आंखें खोलो पुत्र, मारुति आंखें खोलो पुत्र। मारुति आंखें खोलो पुत्र, मारुति पुत्र, मारुति आंखें खोलो, मारुति। देवराज ने मेरे पुत्र पर वज्र से प्रहार किया और यह सारी सृष्टि चुपचाप देखती रही। किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। अब यह सारी सृष्टि इसका दंड भोगेगी। मैं इस संसार से सारी प्राणवायु को खींच लूंगा। जब मेरा पुत्र ही श्वास नहीं लेगा तो इस संसार में किसी को भी श्वास लेने का अधिकार नहीं है। मैं इस संसार से सारी प्राणवायु को समाप्त कर दूंगा। जब मेरा पुत्र ही श्वास नहीं लेगा तो इस संसार में किसी को भी श्वास लेने का अधिकार नहीं है। मैं इस संसार से सारी प्राणवायु को समाप्त कर दूंगा। हे 49 मारुतों, सब मेरे पास आओ और मुझ में समाहित हो जाओ। क्या हो रहा है? यज्ञ की अग्नि बुझ गई है। देखा, मैंने कहा था असमय सूर्यास्त का अर्थ है अनिष्ट की आशंका, और वही हुआ। हाँ ऋषिवर, सूर्य देव तो निकले ही हैं, किंतु अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। लगता है प्रलय आने वाला है। Oh!
ये सारा संसार मेरे पुत्र के साथ हुए अन्याय का दंड भोगेगा। सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरा भी दम घुट रहा है, लगता है मैं भी मर जाऊंगा। लगता है प्रलय आ गया है।